चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको पंचकुला लिए चलेंगे, जहां फल और सब्जी मंडी का उद्घाटन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। इस दौरान क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। एसीएस राजशेखर बुंद्रू जी, मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन हमारे सीए मुकेश आहूजा जी और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और हमारे आज के इस सब्जी मंडी और एप्पल मंडी, आज इसके उद्घाटन अवसर के ऊपर आए हुए सभी महानुभाव मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे हरियाणा में एप्पल मंडी और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी में जो एप्पल की खेती करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब की खेती करते हैं, ऐसे सब किसानों को इस मंडी के बनने से फल व सब्जी उत्पादक किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी आय वो बढ़ेगी। इसके लिए मैं सभी को, किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि इस एप्पल मंडी का जब उद्घाटन हो रहा है, इस एप्पल मंडी का शिलान्यास हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के द्वारा ये किया गया है। आप सब भी जानते हैं कि ये जो भूमि थी, इस भूमि के ऊपर किसान के लिए ही कार्य होता था, ट्रैक्टर बनता था और किसान उसको अपनी पैदावार के लिए उपयोग करता था। उसकी ज्यादा पैदावार हो, आधुनिक तकनीक के ट्रैक्टर यहां पर बनते थे, परंतु अब यहां पर किसानों के हित में ही इस मंडी का, एप्पल सब्जी मंडी का आज उद्घाटन हो रहा है। इसके प्रथम चरण का जो ये मंडी 78 एकड़ के अंदर इसका निर्माण होगा और लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से ये आधुनिक मंडी, एप्पल मंडी ये बनेगी और इसका हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ होने वाला है। आज का जो उद्घाटन किया है, ये प्रथम चरण का हमने निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया है, जिसका 14 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से ये 10 एकड़ के अंदर क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए आज आप सबको कि इसके दूसरे चरण का भी निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। हरियाणा में मंडियों में साल भर के अंदर लगभग 210 लाख क्विंटल फल और सब्जियों का आवागमन होता है। हमारे अगर पंचकुला के अंदर हम देखें, सेक्टर 20 की पंचकुला में ये बड़ी सेब की मंडी, वहां पर आवाक आती है। वर्ष 2016 में जो मंडी में सेब का व्यापार शुरू हुआ, उससे हर वर्ष 35 लाख
सेब के डिब्बों का व्यापार हमारे यहां से होता है। मुझे खुशी है कि अब अगस्त नवंबर में सेब की आवक जब शुरू होगी तो पंचकुला मंडी पर्याप्त स्थल नहीं होने के कारण अब ये पंजौर की जो मंडी का आज उद्घाटन हुआ है, मेरे उन किसानों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ वो यहां से मिलने वाला है। उनको अच्छे दाम इस मंडी से वो उपलब्ध होंगे, मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया भी है कि इसका लाभ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मेरे किसान जो अपने सेब को दिल्ली लेकर के जाते थे, अब इस मंडी से वो बेच पाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। फल और सब्जियों की बिक्री इसी मंडी से अब वो कर सकेंगे। इस क्षेत्र में किसानों को भी इसका बड़ा लाभ होगा। मंडी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ये एप्पल मंडी ये पूरा करेगी। पिंजौर की इस सेब मंडी में 70 दुकानें और प्लाटों को भी ई नीलामी के जरिए हमने उसको दिया है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमने ये जो दुकानें थी उनकी ई नीलामी वो की है। मंडी में फलों सब्जियों के रखरखाव, क्रय विक्रय हेतु आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश की इस तलहटी से जुड़ा ये हमारा पिंजौर, ये हरियाणा का प्रवेश द्वार है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब व्यापारी अब हमारे सीधे इस मंडी बोर्ड से वो संपर्क में रहेंगे। पिंजौर सेब कारोबार हेतु एक मुख्य केंद्र अब ये हमारे यहाँ पर बना है। इस मंडी में जो मार्केट फीस थी वो 1% यहाँ पर रखी गई थी और हमने जो भी विकास इस मंडी का और लोगों की सुविधाओं के लिए हमने ये कार्य किए हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो नई मंडियों के निर्माण के और उनके विस्तार उन्नयन पर 2322 करोड़ रुपए की राशि ये हरियाणा प्रदेश के अंदर वो खर्च की है। मुझे खुशी है ये बताते हुए आप सब लोगों को कि 100 करोड़ रुपए से 14 नई मंडियों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रगति से चल रहा है। और अभी हमारे कृषि कल्याण मंत्री ने जो गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी जो मार्केट स्थापित होगी वहाँ पर की जा रही है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। हमने इसी तर्ज के ऊपर गुरुग्राम में भी 25 करोड़ रुपए की लागत से फ्लावर मार्केट उसका भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। सिरसा सोनीपत में 35 करोड़ रुपए से मसाला मंडी वो स्थापित की जा रही है। 108 मंडियों को हमने ई नेम से जोड़ा है। प्रदेश में ई खरीद परियोजना शुरू की है। पंचकुला व गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किए गए हैं। हमने मंडियों में किसान अटल किसान मजदूर कंटीन योजना के तहत 48 मंडियों में कंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसका जिक्र भी अभी हमारे मंत्री महोदय ने किया है कि वहाँ पर जो श्रमिक हैं या हमारे जो किसान हैं जो वहाँ पर अपनी फसल लेकर के आते हैं उनको 10 रुपये में भरपेट भोजन देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि किसान हमारा इस राष्ट्र का अन्नदाता है। हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक किसान की सहायता हमारी सरकार कर रही है।
उसका परिणाम है कि आज हमारा किसान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 1,184,32,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। हरियाणा आज केंद्रीय भंडारण में दूसरे स्थान के ऊपर अपना योगदान वो दे रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज भावांतर भरपाई के माध्यम से आज अपने किसान को सुरक्षित और मजबूत करने का निर्णय भी पहली बार अगर किसी सरकार ने लिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लिया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारे भावांतर भरपाई योजना के तहत 23,221 किसानों को 104 करोड़ रुपए का उनको प्रोत्साहन देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि पहले अगर किसान का भाव बाजार में कम आ जाता था तो वो अपनी ट्राली सड़क के ऊपर ही झाड़ करके आ जाता था, क्योंकि जितना उसका खर्चा होता था उससे कम, बहुत कम दाम के ऊपर उसको पैसा मिलता था, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था। परंतु अब भावांतर भरपाई के माध्यम से मेरे किसान को ये दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने दे रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो भावांतर भरपाई के तहत बाजरा व सूरजमुखी को भी इसको शामिल किया गया है। मुझे ये खुशी है बाजरा किसानों के बैंक खातों के अंदर इस भावांतर भरपाई में 717 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसान के खाते में डालने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वो शुरू की है। इस योजना बागवानी फसलें जिसमें फलों की सब्जियों के लिए 750 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ सब्जियों मसाला फसलों में 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश का वो किसान उठा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वर्ष 2023-24 में कुल 27,71,000 रुपए की प्रीमियम के रूप में जमा हुए हैं और बाणवा किसानों को इस योजना के तहत 68,34,000 रुपए के नुकसान के मुआवजे की भरपाई देने का काम भी बागवानी के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। 10.5 वर्षों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 2 प्रकार यह चल रहा है। हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हॉर्टिकल्चर के लिए जो हमारा बागवानी का किसान है उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य किया है और वर्तमान में 7% में बागवानी और 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुणा करके 22 लाख एकड़ व उत्पादन को 3 गुणा करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हमारे किसान की आय बढ़े और हमारा किसान को उसका लाभ मिले। बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर चलाए जा रहे हैं। ताजे फल सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वो भी स्थापित की जा रही है। पैक हाउस की स्थापना भी की जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों को जो FPOs हैं, फूड प्रोसेसिंग नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का काम भी ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। इस ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा भी आरंभ की है। मुझे ये खुशी है
कि जीएसटी के संरक्षण के अंदर, संग्रहण के अंदर देश में हम छठे स्थान के ऊपर हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जो 1,82 लोगों को 152 करोड़ रुपए की सहायता भी सरकार के द्वारा वो दी गई है। मुझे ये भी खुशी है कि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है। आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मेरे पास एक मांग पत्र पिछले दिनों हमारे यहाँ से मंडी के कुछ लोग, उनकी समस्याएं थी, वो समस्याओं को मुझे दे करके गए थे। मैं आज उसके अंदर कार्यों में मैं उनको दुरुस्त करने की, उसको सरल करने की मैं आज घोषणा करता हूँ। मेरे को एक मांग पत्र में ये कहा गया था कि आधुनिक सेब फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस मंडी में मार्केट फीस 1% है, इसको कम किया जाए। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमने इसको घटा करके 0.5% आज करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और मैं आज मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 10 से 75 वर्ष करने का हमने निर्णय किया है, जिससे कि खेत के अंदर जो दुर्घटना होती है, चाहे वो बिजली गिरने की है या अन्य कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाती है, तो वो उस योजना के तहत अब उसको लाभ उसको मिलेगा। और आज जो अटल किसान मजदूर कंटीन योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायत दरों से वर्ष भर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक 48 मंडियों में कंटीन शुरू की जा चुकी है। मंडियों में अटल किसान मजदूर कंटीन शुरू करने बारे ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हमने 100 मंडियों के अंदर अभी इसको खोलने का निर्णय किया है, अब आगे भी जितनी मंडियां और बची हैं उन मंडियों में भी ये अटल किसान मजदूर कंटीन खोलने का हम और आगे निर्णय ये किया है। विवादों के समाधान की नीति हमने, क्योंकि जो ग्रीवेंस हमारे जो मंडी को या प्लॉट को लेकर के या उसको ब्याज को लेकर के जो भी उसको समस्याएं दिखते आती थी, हमने विवादों के समाधान की नीति के संबंध में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया है कि मंडी प्रांगण में सभी प्लॉट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी, सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज से ही की जाएगी, ये भी हमने निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किस्त का भुगतान देय तिथि से 20 दिन के अंदर किया जाता है तो कोई भी दंडात्मक ब्याज वो नहीं लिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय लिया है। तमाम फल एवं सब्जी पर HRDF हमने समाप्त कर दिया है, कोई भी HRDF हम फल और सब्जी के ऊपर नहीं लेंगे, आज हमने इसको समाधान किया है। जो विवादों का समाधान योजना है इसकी तारीख भी हमने 30/9/2024 तक इसको बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। लगातार हमारी ये सरकार ये किसान के हित में, आम जन के हित में ये निर्णय लेते हुए गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पिछले दिनों चाहे गरीब व्यक्ति को मजबूत करने के लिए, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है, चाहे हैप्पी कार्ड योजना है कि कोई जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवार को
एक हैप्पी कार्ड हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के तहत हमने एक कार्ड दिया है। ऐसे 84 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और उन 84 लाख लोग जो सरकार की सोच है कि उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर उसने जाना है, इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि दिन जो उपभोक्ता है जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज भी अब देना नहीं पड़ेगा। जितना यूनिट खर्च करेगा उतने ही यूनिट का उसको बिल मिलेगा। ये भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार के भाइयों लॉलीपॉप दे करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, उनको 100-100 गज के प्लाट थमा दिए परंतु न कागज दिया ना उनको कब्जा दिया और वो घूम रहे थे, हमने ये निर्णय किया कि उनको 20,000 लोगों को हमने चिन्हित करके उनको कागज भी देने का काम किया है, उनको प्लॉट भी देने का काम किया है। और हमने आगे ये भी निर्णय किया है कि जो नए बेनिफिशरी हैं एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके उनको वेरीफाई करके उनको भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये बड़ा अचरज होता है कि जब विपक्ष के लोग जो इस प्रकार के बातें करते हैं कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, अरे बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से आज हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपको आज मात्र 11 बातें आज इस मंच से मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन 11 का बताएं, फिर मैं आगे और बताने का काम करूंगा कि आपकी सरकार के अंदर क्या क्या काम होता था। ये हरियाणा के लोग आज आपसे पूछना चाहते हैं, ये हिसाब आपसे पूछना चाहते हैं। हम तो हिसाब एक एक पंचायत के अंदर देने के लिए तैयार है कि हमारी सरकार ने एक एक पंचायत के अंदर कितने विकास के काम किए हैं वो बताने के लिए तैयार हैं। और इसका निर्णय हमने कर लिया है कि हम एक एक पंचायत में जा करके हमारा कार्यकर्ता और हम स्वयं एक एक गांव में बताने का काम करेंगे कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं। परंतु मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भेदभाव विकास के कार्यों में होता था उसको भी बताने का काम करें। कितना पैसा आपने गांव के अंदर विकास के लिए खर्च किया है। मुझे खुशी है कि मैं बड़े फख्र के साथ आज इस मंच से बता सकता हूं कि जितना विकास हमने कालका का किया है हमने उतना विकास नारनौल के अंदर जो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर विधानसभा है उसका भी उतना विकास कार्य किया है। परंतु ये बताने का काम करे कि ये जो भेदभाव बरता जाता था हरियाणा के लोगों के साथ बरता जाता था ये क्यों बरता जाता था इसके बारे में बताने का काम करें। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करे आपकी सरकार में नौकरियां किस आधार के ऊपर दी जाती थी। हमारी सरकार में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है, इसके ऊपर भी वो बताने का काम करे कि हमारी सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरियां लगती थी और कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देता था। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उसने तो रैली भी की कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 10 वर्षों के अंदर कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी ये भी बताने का काम करें। हम बताने का काम करते हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितने गांव के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मेरे हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें एक एक किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी का पीने का लेकर के आती थी, परंतु आपने क्या काम किया है वो भी बताने का काम करे। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसका जवाब देने का काम करे कि आपकी सरकार में ट्रांसफर कैसे होती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, परंतु हमारी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बना करके उस भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट करने का काम किया है। आज घर बैठे ही आज ट्रांसफर हो रही है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, ये भी बताने का काम करे कि आपकी सरकार के अंदर हरियाणा में भी आप मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। भाइयों, आज हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, 12 लाख उन माताओं बहनों के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन फ्री में देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, ये हमारी सरकार ने किया, इसके ऊपर भी वो बताने का काम करे। भाइयों, मैं आज भूपेंद्र हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि हमने बेटियों के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी उनको पढ़ने के लिए न जाना पड़े, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिले, इसकी व्यवस्था हमने 10 वर्षों के अंदर की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बताने का काम करे कि बेटियों के लिए क्या किया है। हमारी सरकार ने जो हमारे 1,80,000 रुपए से कम आय के परिवार हैं, उनकी बेटियों को शिक्षा के अंदर कोई फीस नहीं लगेगी, वो हमारी सरकार ने जीरो करने का काम किया है। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक एक किसान आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, आप 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना पैसा किसान के फसल के खराबे का दिया है, उसको भी बताने का काम करें। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, अरे आपको बताते हुए भी शर्म आती है, आप ये बताने का काम करें हरियाणा के किसान को कि उन्होंने क्या काम किया है। भाइयों, मात्र 1100 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने दिया, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, आज ये झूठ बोलता है। मैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग पूछ रहा है, ये जो हमारा हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते 2014 में एक घोषणा की थी 1,000 रुपये पेंशन देंगे बुजुर्गों को, ये पहले 500 रुपया पेंशन देता था, और उसने जाते जाते घोषणा की थी कि हम 1,000 रुपये देंगे, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने उन बुजुर्गों को भी 1,000 रुपये पेंशन नहीं दी, वो 1,000 भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बुजुर्गों को 3,000 रुपये पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और आपकी सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हरियाणा का बुजुर्ग आपसे पूछना चाहता है कि बुजुर्ग को अगर पेंशन लगवानी होती थी 6-6 महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटता था, उसकी पेंशन नहीं लगती थी, और भाइयों अगर पेंशन लगती थी उसको सेवा देनी पड़ती थी तब जाकर के उसकी पेंशन लगती थी, सुविधा शुल्क देना पड़ता था, परंतु आज 2,32,000 ऑनलाइन बुजुर्गों की पेंशन लग करके उनके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज हरियाणा का बुजुर्ग ये आपसे पूछना चाहता है, आप इसको बताने का काम करें। भाइयों, चाहे भावांतर भरपाई की बात है जिसका जिक्र हमने किया है, आपकी सरकार के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा
ये दूर की बात थी। और 14 अन्य फसलें भी हम MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं, वो भी बताने का काम करे। हरियाणा प्रदेश का किसान ये आपसे जानना चाहता है, जब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने कितनी फसलें MSP पर खरीदने का काम किया है, ये भी बताने का काम करे। भाइयों, ये आज मैंने 11 क्वेश्चन ये उससे पूछे हैं और आगे और भी मैं उससे पूछने वाला हूँ। ये जो बोल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, ये हरियाणा हिसाब मांग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के गांव गांव में बताने का काम करें, लोगों को गुमराह करने का काम मत करें। आज ये मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कालका मंडी में, आज एप्पल मंडी का जो फर्स्ट फेज का आज उद्घाटन हुआ है, ये 14,66,00,000 रुपए की लागत से हुआ है। और नई अनाज मंडी करनाल में भी 1,09,00,000 रुपए की लागत का वहां पर कार्य हुआ है। अनाज मंडी बाबैन लाडवा में भी 6,59,00,000 रुपए का ये विकास कार्य वहां पर भी हुआ है, क्योंकि वहां वो मंडी नीची थी, उसके अंदर दिखते थी। आज उसके कार्य के लिए आज उन कार्यों का शिलान्यास यहां पर हुआ है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि आज इस मंडी के, एप्पल मंडी के उद्घाटन अवसर के ऊपर 30,00,00,000 रुपए के विकास कार्यों के आज हमने मंजूरी दी है। वो कार्य वो चलेंगे, उनके उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए हरियाणा के सभी किसान भाइयों को, जहां जहां पर भी ये मंडियों में कार्य हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अधिकारीगण का, सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।